जावेद साहब को सबसे पहले मुबारकबाद देती हूँ। जो दिल्ली में वो काम करके आए हैं उससे हम सबका फायदा होने वाला है। मतलब सिर्फ राइटर्स ही नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिशंस, सिंगर्स, इन सबको रॉयल्टी मिलेगी। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। 6 साल मैं राज्यसभा पे रही हूँ एमपी, पर 6 साल में मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। और इस बात की साक्षी दार जो होती हैं वो शबाना जी यहाँ बैठी हैं, वो हैं। मैंने मुझे अभी दुख होता है कि मैंने ये जो जावेद साहब ने अभी किया है काम, वो मैंने पहले क्यों नहीं किया। कि बेटा वो देखो सूरज है, सूरज है, ये सबको रोशनी देता है, ये कहना बहुत पागलपन है। वैसे जावेद साहब के बारे में है कि ये जावेद साहब है, जावेद साहब तो सूरज जैसे हैं। मेरे लिए तो बहुत ही ये गर्व की बात है, ये मराठी में इसका अनुवाद हुआ और मेरा तो रिश्ता महाराष्ट्र से बहुत गहरा है। 19 बरस की उम्र में आया था महाराष्ट्र मुंबई, तब से यही हूँ। जो कुछ ज़िंदगी में किया है, जो कुछ ज़िंदगी में पाया वो यहीं पाया। तो वहाँ की भाषा में मेरी शायरी का अनुवाद हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। दुनिया की कौन सी भाषा मेरे लिए इससे बढ़ के हो सकती है। डरते हैं जोया से, क्या वजह है कि वो आपसे अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन जाएंगे या कुछ और? नहीं, वो इसलिए कि वो जब वो छोटी सी थी तब मेरे सारे दोस्त उसे रानी जेठमलानी कहते थे। तो जब वो 5-6 साल की थी, आप उससे कोई चीज पे आर्ग्यूमेंट करके जीत नहीं सकते, वो आपको साबित कर देगी कि आप गलत हैं।